बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, मंजूर साहब काशीराम जी अमर है, कुमारी मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, आप संघर्ष करो, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, तो अभी आप देख सकते हैं जिला इकाई द्वारा जो तमाम पदाधिकारी उनके द्वारा जो है आकाश आनंद जी का स्वागत किया गया। हमें आपको जनसभा के दौरान और जो भीड़ पहुंची उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को साल उड़ा करके और गुलदस्ता पहनकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय इमरान खान जी, सोल उड़ा करके और गुलदस्ता पहनकर उनका स्वागत, जोरदार ताली, गर्मी का शॉल और गुलदस्ता जोरदार तालियों के साथ भाई इमरान खान का, भाई आकाश जी का और भाई राम जी दत्तन जी और अशोक सिद्धार्थ जी प्रधान जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। राज्यसभा के सांसद केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री राम जी गौतम जी को सोल उड़ा करके और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। आए हाय हाय, ये जो जोड़ी है सम्मानित राम जी गौतम जी प्रभारी जी और भाई आकाश जी की सुबह खान जी, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी को सोल उड़ा करके और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। सम्मानित साथी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। श्री इमरान खान जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री सुरेश आर्य जी का और प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह जी बाबा का सोल उठा करके स्वागत करेंगे। साथियों आप भी तालियों में मजबूत से मांग रहे, जोरदार तालियां हमारे नेताओं के लिए। सुभान अल्लाह, कितना सुंदर नजारा, तालियों में मजबूत से जोरदार तालियां। सम्मानित राम जी गौतम जी, अरे साथ में अचूबे इस दुनिया में आज दुनिया पत्ती चेहरी, अरे तेरे से बिना टूटे आकाश गौतम की जेरी, हो आप आए और आए हुए हमारे अतिथिगण कार्यकर्ता पदाधिकारियों के स्वागत में अपने विचार रखें। श्री इमरान खान धन्यवाद। इमरान जी, अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय सिद्धार्थ जी, सम्मानित साथियों, जय भीम। अपनी बात रखने से पहले
इस उम्र जनसलाओ को अपने विचार रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों में विशेष रूप से भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इस पवित्र आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले बाम सेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक इस सदी के महानायक मानवा श्री कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार लोकप्रिय न्यायप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री रही संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मंच पर उपस्थित राजस्थान सहित देश के तमाम प्रदेशों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सांसद राज्यसभा भाई रामजी गौतम जी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजस्थान प्रभारी भाई सुरेश आर्या जी आज के कार्यक्रम क्या अध्यक्षता कर रहे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भाई बाबा जी इस कार्यक्रम के आयोजक भाई इमरान खान जी मंचा सिंह हमारे तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई प्रेम भारू पाल जी और इस उमस भरी गर्मी में उपस्थित तिजारा के कोने कोने से आए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और पदाधिकारीगण। साथियों अपनी बात रखने से पहले मैं चार लाइनें आप लोगों को देता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना पांव बख्शे हैं तो तोहफी के सफर भी देना जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था और अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना बातों में असर भी देना। साथियों बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि इन तमाम महापुरुषों के जिनके आप लोगों ने यहाँ पर चित्र लगाए हैं उन महापुरुषों का एक पवित्र आंदोलन है जो इस देश में सदियों से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक और वंचित समाज को उनमें जागरूकता पैदा करके उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहता है उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और साथियों 108 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद जब हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश का संविधान मिला उस संविधान में जब बाबा साहब ने हमारे मसीहा ने हम सबको बराबर के हकदार देने का काम किया बराबर के हक देने का काम किया चाहे हमारे मजहब की बराबरी हो चाहे हमारी सामाजिक बराबरी हो चाहे हमारे लिए न्याय की बराबरी हो चाहे समता और स्वतंत्रता की बराबरी हो उस संविधान की प्रस्तावना में लिखने का काम किया। लेकिन साथियों हम लोगों ने देखा कि आजादी के इन 75 वर्षों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस देश में भारत के संविधान में दी गई सहूलियतों का को पूरा करने का काम जो सबसे ज्यादा इस देश में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी है जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा करने का काम अगर किया है तो वो साथियों बहुजन समाज के साथ किया है।
वो बहुजन समाज जिसमें साथियों एससी एसटी ओबीसी और साथियों खास तौर से धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, जिनमें से बड़े बड़े पैमाने पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में ताल्लुक रखने वाले हैं वो साथियों मुस्लिम समाज के लोग हैं। इन लोगों ने 50 वर्षों तक इस देश में और आपके प्रदेश में शासन करने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा वोट देने का काम इस देश के दलित पिछड़े और अखिलेश समाज के लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए कागजों में नीतियां तो बनाने का काम किया, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत पर उतारने का काम नहीं किया। अगर किया होता तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत के संविधान में हमें केंद्र की सरकार में 15% एसटी समाज के लोगों को, 7.5% एसटी समाज के लोगों को और 27% पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या आप लोगों का रिजर्वेशन केंद्र में या आपके राजस्थान में आज तक इन्होंने पूरा लागू करने का किया? अगर किया हो तो एक भी आदमी हाथ उठा करके बता दे साथियों आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। वही साथियों दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश जो इस देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और पूरे 5 साल की कुल मिलाकर के लगभग 7 साल की सरकार चलाने का काम किया। लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी का साथियों राष्ट्रीय क्लास 4 में पूरा का पूरा रिजर्वेशन लागू करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। साथियों इस देश का पहला ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहाँ पर आदरणीय बहन जी ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी ठेकों में 25 लाख तक के ठेकों में साथियों एससी एसटी को रिजर्वेशन देने का काम किया। अब साथियों फर्क आपके सामने है, जो अखिलेश समाज के लोग हैं मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, जो अखिलेश समाज के लोग इस देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी है, जिन्होंने जब 3 जून 1995 को जब बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री के रूप में देश की पहली दलित पहला मुख्यमंत्री के रूप में दलित की बेटी ने मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की देश के सबसे बड़े सूबे की शपथ लेने का काम किया था, तो देश और दुनिया की मीडिया ने आदरणीय बहन जी से पूछने का काम किया कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो साथियों आदरणीय बहन जी ने देश और दुनिया के सामने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल मजहब की सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। साथियों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देश में कोई ऐसा प्रदेश है, देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की ऐसी कोई सरकार है जिसकी सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा या जाति हिंसा नहीं हुई हो? आपके राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, या फिर देश के तमाम प्रदेशों, सभी प्रदेशों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी के शासनकाल को छोड़ दें तो पूरे देश के हर प्रदेश में साथियों सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बहन जी के शासनकाल में चारों बार के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। साथियों एक भी किसी भी साथियों एक भी किसी अखिलेश की साथियों धर्म के नाम पर या जात के नाम पर हत्या उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासनकाल में नहीं हुई। वही आपके उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, अगर बहन जी के शासनकाल को उत्तर प्रदेश में छोड़ दें तो तमाम दंगे हुए, मुजफ्फरनगर शामली के दंगे आज भी साथियों दिखाई देते हैं, आज भी आंखों के सामने सदैव मंजर दिखाई देता है, सैकड़ों की संख्या में लोगों की लाशें नहरों में फेंक दी गई थी, सैकड़ों की संख्या में लोगों के घर जला दिए गए थे साथियों, यहाँ तक कि लोगों को सालों तक टेंटों में रहने पे मजबूर होना पड़ा, और साथियों जब उन टेंटों में जब साथियों वो गर्मी बरसात सर्दी उन टेंट में रहने पे मजबूर हुए, और जब साथियों बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए उन लोगों के राहत कैंपों भेजने का काम किया, तो साथियों वहां पर जब
जब वहां पर रहने वाले लोगों से पूछा कि भाई आप अपने घर वापस क्यों नहीं जाते हो, आपका कितना नुकसान हो गया, तो साथियों एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने साधारण अंदाज में कहा कि यूं तो जल गया घर मेरा, बचा कुछ भी नहीं, यूं तो जल गया घर मेरा, बचा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जो बच गया तो जला कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जो बच गया तो जला कुछ भी नहीं। और इतना कहने के बाद उनके चेहरे पे मायूसी आ गई, उनके चेहरे पे मायूसी आ गई और उन्होंने कहा यूं तो कह रहा हूं जला कुछ भी नहीं, लेकिन सच तो ये है कि बचा कुछ भी नहीं। कहां जाए साथियों, ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने आपको इंसाफ देने का काम नहीं किया है इस देश में। अगर साथियों अखिलेश समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, यहाँ तक कि सर्व समाज के गरीबों को अगर कोई हक और हुक देने के इंसाफ की बात करता है तो बहुजन समाज पार्टी उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है साथियों। इसलिए साथियों मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं साथियों इतना जरूर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय साथियों युवा जो साथियों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे युवा दलों की धड़कन हैं, आकाश से चलने का काम कर रहे हैं, उनका साथियों एक ही मकसद है, उनका एक ही मकसद है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के हर कोने कोने में साथियों गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय, अत्याचार से साथियों बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं सर्व समाज के लोगों को मुक्ति मिले, सर्व समाज के लोगों को मुक्ति मिले। क्योंकि साथियों लोकतंत्र तब मजबूत होता है, लोकतंत्र साथियों तब मजबूत होता है जब इस देश पर शासन करने वाला जो शासक होता है साथियों वो किसी व्यक्ति जात विशेष धर्म विशेष के लिए नहीं सोचे बल्कि सर्व समाज के लिए, यानी कि बिल्कुल गैर बराबरी की बात को समता मूलक समाज बनकर एक नजर से देखने का काम करे। आज साथियों चाहे आपके देश में हो, चाहे आपके प्रदेश में हो, चाहे भारत केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो भी साथियों एक नजर से देखने का काम नहीं करती है। आप लोग इस बात अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी भी साथियों अपने प्रदेशों में हो या केंद्र में हो, वो भी साथियों कुछ लोगों के लिए काम करने का काम करती है। वही साथियों राजस्थान की सरकार भी चुन चुन करके साथियों किनके लिए काम करती है, अपने लोगों के लिए काम करती है। भ्रष्टाचार के रूप में साथियों राजस्थान की सरकार भी पीछे नहीं है। अगर साथियों केंद्र की सरकार में जैसा कि आपने देखा तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, ऐसे ही आपके राजस्थान की सरकार में भी तमाम भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। इसलिए साथियों मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमको साथियों सही माने में आने वाले समय में एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जिस सरकार में साथियों सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान स्वमान से जीने का अधिकार मिले, सबकी तरक्की और उन्नति हो, तो साथियों हमें इस नारे को साथियों हकीकत में तब्दील करना पड़ेगा कि चलो चले आकाश जी के साथ चले, चलो चले आकाश जी के साथ चले, चले बहन जी की राह पर चले, बसपा के साथ जुड़े, तभी साथियों उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का साथियों हम लोग विकास कर सकते हैं, तभी हम लोग साथियों विकास कर सकते हैं। यही हमारी साथियों सर्व जनताए सर्व जन सुखाए संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि माननीय आकाश जी ने साथियों माननीय आकाश जी का वो आलम है जिस दिन से आदरणीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देने का काम किया है, उनका एक ही कहना है कि जिस दिन से चला हूँ आकाश जी ने का क्या कहना है साथियों कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आकाश जी क्या कह रहे हैं बहुजन समाज के लोगों से कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा है। और वो मंजिल क्या है साथियों, इस देश के आकाश जी की मंजिल है इस देश के बहुजन समाज को, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। जो सपना कभी बाबा साहब ने देखा था, जिस सपने को साकार करने का काम माननीय श्री कांसी राम साहब आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, उस सपने को पूरे देश में साकार करने के लिए माननीय आकाश जी हम लोगों के बीच में
रात दिन मेहनत करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं साथियों। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आकाश जी के साथ आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ करके हर हाल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को साथियों जिताने का काम करें, क्योंकि साथियों ये कहा जाता है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों आप माननीय आकाश जी का एक एक शब्द सुनकर के जाइए, निश्चित रूप से साथियों आप लोग आने वाले समय में राजस्थान में हुक्मरान बनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भोजन। धन्यवाद माननीय प्रभारी जी। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा के सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय गौतम जी, सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सभी सर्वप्रथम करुणा के सागर भगत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक पूर्वी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों पिछड़ों गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम से बीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानिवर श्री कांसीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के स्मरण करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और मैं हमारे बहन जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से गरीब कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में सांसद बना के बैठाया, उसके लिए हमारे बहन जी को कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आज जो संकल्प यात्रा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का जो हमारे प्रदेश के अंदर स्थान में इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डायनेमिक लीडर युवा दिलों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी हमारे बीच में मंच उपस्थित है, और साथ ही हम सबके साथ में चल रहे हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद कई प्रदेशों के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर स्थान के प्रभारी सुरेश आर्या जी, और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सीताराम मेघवाल जी, प्रदेश के प्रभारी सुमरत सिंह जी, प्रेम बारूपाल जी और पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ में 16 अगस्त करके साथ में हमारे घूम रहे हैं। और इसी मंच पर उपस्थित है हमारे इमरान भाई जो पिछले पांच सालों से दिन रात एक किए हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के अलग को जगाने के लिए अलवर के अंदर, इनका मैं भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मेरे तमाम यहां पे सरपंच भाई बैठे हुए हैं, उसमें खलील सरपंच जी, ईसा सरपंच जी, अख्तर सरपंच जी, वीरपाल सरपंच जी, रॉकी सरपंच जी, इस्लाक सरपंच जी, राहुल सरपंच जी, इलियास सरपंच जी, नसरू सरपंच जी, नरेश सरपंच जी, मसरुद्दीन सरपंच जी, बाबूलाल एमपीएस जी, इलियास चौधरी जी, ताहिर लंबरदार जी, आसु चौधरी जी, अनीफ सरपंच जी, चौधरी अहमद जी, असीम सरपंच जी, अप्पू सरपंच जी, आप सभी लोगों का और तमाम मेरे यहाँ पर मेव समाज के साथ साथ 36 कौमों के साथ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और आप सभी लोग इतनी भारी संख्या में इधर आए हुए हैं जिसके लिए भी आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, इतनी भारी संख्या में आप इधर बैठे हुए। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप काफी देर से बैठे हुए, मैं अपना पूरा समय भी अपने राष्ट्रीय मॉनिटर जी को दूंगा क्योंकि आप सभी लोग उनको सुनने के लिए आए, लेकिन 2-4 मिनट में आपसे बात करूंगा। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के अंदर आप सभी लोगों ने 2018 में भी बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी के साथ इधर तमाम पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने कांग्रेस को भी वोट देकर कांग्रेस को सत्ता में लाने का भी काम, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते लेकिन कांग्रेस को समर्थन देने के बाद भी कांग्रेस ने हमारे 6 विधायकों को तोड़ने का भी काम किया। लेकिन मैं आप सबसे कहना ही चाहता हूं, इतना सब कुछ होने के बाद प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है लेकिन मुसलमानों पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ,
मुसलमानों पर अत्याचार नहीं खत्म हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं खत्म हुआ, दलितों पर अत्याचार नहीं खत्म हुआ। आए दिन दलितों आदिवासियों के साथ में, उनकी बहु बेटियों के साथ में दुराचार होता, बलात्कार होता, उनका मर्डर होता, और यही नहीं आए दिन मुसलमानों के बच्चों के साथ में लिंचिंग होती है। चाहे नसीरू का आप कांड देखिए, चाहे जुनेद का देखिए, आप कहीं देखिए, चाहे नासिर का देखिए, ये कांड हुए कि नहीं हुए पूरे देश के अंदर। अगर मॉब लिंचिंग के नाम की कोई चीज होती है तो पूरे देश के अंदर दलितों और मुसलमानों के साथ, सिर्फ मुसलमानों और दलितों के साथ। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये अत्याचार कब तक आप लोग सहोगे? ये अत्याचार का अंत होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। अत्याचार का अंत होना चाहिए, होना चाहिए, जो अत्याचार का अंत होना चाहिए। लेकिन लंबे अरसे तक बीजेपी ने भी राज किया राजस्थान के अंदर, और लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया, किया कि नहीं किया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने कभी भी इस वंचित समाज के लोगों के लिए काम नहीं किया। न मुसलमानों के लिए काम किया, न दलितों के लिए काम किया, न आदिवासियों के लिए काम किया, न स्वच्छ समाज के गरीबों के लिए काम किया। अगर इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान में काम करने किया है तो बड़े बड़े धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के लिए काम किया, और पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति पैदा कर दी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी आप सबके बीच में आप सबसे आगाह करने के लिए आई हुई है, अगर आप नफरत की राजनीति छोड़ना चाहते हैं, इनको बाहर करना चाहते हैं, तो 2023 में हाथी का बटन आप सबको दबाना पड़ेगा, आप सबको दबाना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि मुसलमान जो मेव समाज बैठा, जो प्रदेश के अंदर मुसलमान समाज बैठा हुआ है, इनका भी अहम रोल है इस देश को आजाद कराने में, इनकी भी भागीदारी कहीं से कम नहीं है। ये मत भूल जाए, मैं एक वाक्य सुनाता हूं, बहादुर शाह जफर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। बहादुर शाह जफर जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने अपनी गद्दी को अंग्रेजों के सामने, अपने सर को, अपनी गद्दी को नतमस्तक नहीं किया, और कहा कि पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति भड़क चुकी है और हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, पूरे देश के अंदर क्रांति वीरों के साथ में खड़े होंगे, अंजाम कोई भी हो मुझे परवाह नहीं है। ये बात बहादुर शाह जफर ने करी, और बहादुर शाह जफर इस क्रांति में कूद पड़े, 1857 की क्रांति में कूद पड़े, और उनके दो बच्चे और उनका पोता को शहीद कर दिया गया। अंग्रेज हुसैन ने उनके दोनों बच्चों को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उनके सर कलम कर दिया, और सर कलम करके एक थाली में सजा करके बहादुर शाह जफर के पास भेज दिया, कहा मैंने आपको इनाम भेजा है, आप इनाम देखिए। और बहादुर शाह जफर सिंहासन पे बैठे हुए थे, सिंहासन से उतर के आए, उस इनाम का जो पर्दा था उस पर्दे को उठा के देखा कि उनके दोनों बच्चों के सर कटे हुए थाली में रखे हुए। बहादुर शाह जफर कमजोर नहीं पड़े, चीखे भी नहीं, रोए भी नहीं, और उन्होंने बात कही, या अल्लाह पहले तो मैं दो बच्चों का बाप था, लेकिन आज तूने मुझे शहीदों का बाप बना दिया है, शहीदों का बाप बना दिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो लोग हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार आपके पास है वोट का हथियार, और सबसे बड़ी पार्टी आपके बीच में है जो बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू करना चाहती है, इस देश में भाईचारे की राजनीति करना चाहती है, तो बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा और कोई पार्टी आपके पास में नहीं। हम कोई राजनीति अभी हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय बैनर जी है, 16 अगस्त इनके नेतृत्व में हमने एक यात्रा निकाली, हम लोग गांव गांव थाली थाली जा रहे हैं, और जिसका जो मेन हमने फोकस किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, माने कोई जाति धर्म मजहब की राजनीति हम नहीं करते, हम सर्वजन हिताय माने कि 36 कौमों को 36 बिरादरियों के हित में काम करना चाहते हैं। आप सबको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अलिया बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, पूरा देश जानता है माने बहन जी के शासन काल में जंगल राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ, और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे उनकी दुकानें बंद कर दी माने बहन जी ने, और वो सारी दुकानें राजस्थान में भी हम बंद करेंगे, लेकिन आपका समर्थन के बिना नहीं पूरा होना। अगर आप समर्थन देंगे तो इंशाल्लाह 100% नफरत की राजनीति को खत्म करके राजस्थान में रखेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे,
जंगल राज खत्म करेंगे और उनको भी बताएंगे जो गरीबों की जमीनों पे, दुकानों पे, मकानों पे कब्जा करते हैं, जो लिंचिंग करते हैं, दलितों के साथ में लिंचिंग करते हैं, आदिवासियों के साथ में लिंचिंग करते हैं, और जो मुसलमानों के बच्चों को घेर के मारते हैं, ट्रक में चलाते हैं, उनकी भी खैर नहीं होगी। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, आप समर्थन दीजिए, ऐसे गुंडे मवाली राजस्थान छोड़ करके भाग जाएंगे। और ये आप सबसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हुआ हूँ कि इस बार कोई गलती नहीं करिए। ये संविधान है बाबा साहब का जो आपके मान सम्मान इस देश में देता है, ये संविधान है बाबा साहब का जो आपका न्याय की बात करता है। अगर बाबा साहब का संविधान ना हो तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए संविधान बचाना है तो 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को स्थान में बनाना है। और इसी संकल्प के जरिए हम लोग गांव गांव थाली थाली घूम चुके हैं, निकल चुके हैं। अब ये कारवा रुकने वाला नहीं है, अब ये कारवा अपने मंजिल तक जा करके रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता आकाश जी ने ये प्रण लिया है कि राजस्थान में सत्ता हम ले करके अपने हाथों में तभी चैन से बैठेंगे, वरना चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए राज्य करना पड़ेगा, काम करने काम करेंगे। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि लंबा समय है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और हमें सब लोगों को अपने मुख्य अतिथि को सुनना है। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा से धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी। सामान्य साथियों, शांति के साथ में अपनी अपनी जगह भी आप लोग विराजमान रहे। अब मैं निवेदन करूंगा, अपना घर परिवार छोड़ करके पूरे देश के अंदर कोने कोने में जाकर के, गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर जाकर के दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के साथ साथ सर्व समाज के अंदर महापुरुषों की विचारधारा से समाज को तैयार कर रहे युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय आकाश जी के सम्मान में जोरदार नारे लगा करके हम उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। माननीय आकाश आनंद जी, जय भीम, बहुत गर्मी है, आप सब पसीने में बैठे हैं इसलिए आवाज नहीं निकल रही, सब खाना भी खा। एक्चुअली आकाश भाई का ध्यान समोसे में चला गया भाई, एक बार समोसा बंद कर दो प्लीज। ठीक है, बोलिए जय 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 भीम जोर से जी। साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, जैसे कि आप सब, जैसे कि आप बहुत देर से गर्मी में बैठे हैं, मैं अपनी बात छोटे में समक्ष शॉर्ट में रख के आपको मुद्दों की बात पे आऊंगा। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, फेरिया राव स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री, लोकसभा वह राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमारे सर्व समाज में से एससी, एसटी, ओबीसी एवं पिछड़े वर्ग के साथ साथ गरीबों और कमजोरों के। तो बहन जी का
मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ यहां मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने चाहा कि उनका भारत कुछ इस तरीके से बने। बाबा साहब चाहते थे जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, हकीकत तो ये है कि आज यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वह बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज विरोधी। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का, यही कांग्रेस सरकार की बात सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का, और यही कांग्रेस सरकार की सरकार ने वादा किया था यहाँ लाखों युवाओं को रोजगार देने का, हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है कि यहाँ की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को 3500 रुपए महीना दे पाई, ना उनको दे पाई रोजगार, और ना दे पाई हमारी महिला को मुफ्त शिक्षा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द। साथियों, पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा अधिक महिलाओं पर हुए अत्याचार के केस दर्ज किए गए, चाहे वो एक महिला का गैंगरेप कर मर्डर करने का केस हो, चाहे वो हमारी महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने का केस हो, या चाहे वो एक 9 साल की बालिका बच्ची का बलात्कार कर गला घोट हत्या करने का केस हो। साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाए, तो क्या उस सरकार के मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है? हक है? तो साथियों, समय आ गया है आपको अपने वोटों का सही इस्तेमाल करने का। साथियों, दुख तो इस बात का होता है कि जो बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, वही समाज के साथ शोषण किया जाता है। और वो अकेला आपका राजस्थान नहीं, बल्कि प्रदेश इस देश का हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही है। साथियों, अगर कांग्रेस का ये हाल है तो भाजपा कुछ बेहतर नहीं। परंतु मैं आपका ज्यादा समय भाजपा की विफलताओं पर बात करकर समय जाया नहीं करूंगा, मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। साथियों, बहन जी ने अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों काम किए। अगर आप अब आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बसपा को विजय कराते हैं तो कुछ इस तरह आपके राजस्थान में काम होंगे। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। साथियों, बहन जी ने सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत
7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च। साथ ही साथ बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, बहन जी ने गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इन योजनाओं के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा अपनी बच्चियों के बैंक खातों में भेजने का ये काम करके दिखाएं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे एससी एसटी ओबीसी व आदिवासी समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के साथ के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा का जमीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1,00,000 से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया और 2,00,000 से अधिक पुलिस फोर्स में जो नौजवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। माननीय बहन जी ने अपने एससी एसटी ओबीसी एवं अन्य पिछड़े वर्गों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं नहीं चलाई, बल्कि उनको रोजगार देने के सही अवसर दिए ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इन मनुवादी सोच रखने वाले कांग्रेसियों और भाजपाओं के सामने अपना हाथ ना फैलाए। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ही वजह से। साथियों, अब आपके सामने चुनाव सर पे है तो बहन जी की हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दुश्मन इस इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को ध्यान रखिए, अपने चमचों को जो बाबा साहब की विचारधाराओं को मानने वाला बताकर आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो आप सभी को उनसे भी सतर्क रहना है। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त राशन और बिजली देने के झूठे वादे करेंगे, परंतु आप ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी काबिल चाहिए ना कि निकम्मी, तो आपको इन सब झूठे वादों में नहीं आना है। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया ना करते हुए अब आपको यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले आम चुनाव में हम सबको एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करना होगा और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देना होगा कि हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे मनी देकर गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो साथियों, मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप हाथी निशान के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को वोट डाल यहां पर विजय बनाएंगे और सही मायने में साथियों यही होगा राजस्थान की इस घमंडी कांग्रेसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब।
अंत में मैं यहाँ मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों को जो इतनी देर से और इतनी दूर से चलकर हम सबके साथ आज यहाँ संकल्प यात्रा में शामिल होने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत।